हाई एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है एंड इट इज अवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हम आज पूरा प्रैक्टिस सेट 5.4 खत्म कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर लिया था, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में जो ये बाकी के जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, 1, 2 and 3, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा 5.4 है ना, इसमें कौन सा वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज़ हो रहा है, ये वाला। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ है तो याद कर लो, और जिसको याद हुआ है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो क्या दिया, देखो हमको फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है वो है a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a + b + c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो a + b + c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c², फिर आएगा +2ab + 2bc + 2ac। तो ये है हमारा फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो दो जोड़ी लेके आप ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। पहले आप ए बी सी है ना, तो पहले आप ए बी का जोड़ी लो, उसके बाद बी सी का जोड़ी लो, उसके बाद ए और सी का जोड़ी लो, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। चलो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, सिंप्लीफाई करना है मतलब आपको इसको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करने के बाद जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो मतलब सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो सबसे पहला हमारा जो ब्रैकेट है वो ये है, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो 2 है, मतलब यहाँ पे 2 ब्रैकेट है और इनके बीच में प्लस साइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, बीच में प्लस साइन लिखेंगे, फिर ये वाले ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे और फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। अगर आप देखो पहले तो कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे ये बताओ कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें ए का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब ए कौन बनेगा। ए बनेगा हमारा एक्स, बरोबर। तो ए हो जाएगा हमारा एक्स। फिर बी का रोल कौन प्ले करेगा, देखो बी हो जाएगा हमारा -2y, सिर्फ 2y मत लिखना, बी हमारा -2y होगा। फिर सी का रोल कौन प्ले करेगा, सी होगा हमारा 3। तो ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब ये सेकेंड ब्रैकेट को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी एक्स, बी की वैल्यू मिलेगी हमको 2y और सी की वैल्यू हमको मिलेगी -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और फॉर्मूला में प्लस है, तो यानी कि हमको सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी -3। तो ये हमने कंपेयर किया। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को एक्सपांड करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये रहा हमारा फॉर्मूला और यहाँ पे देखो ये है जो हमारा पहला ब्रैकेट जिसको हम एक्सपांड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला, अभी मत देखो ये वाला हमारे दूसरे ब्रैकेट के लिए, ये वाला हम यूज़ करेंगे, ए बी सी की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है ए स्क्वायर। हाँ, और एक बात यहाँ पे है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। देखो सबसे पहले आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जो भी इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेगी, फिर बीच में प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस साइन है, उसके बाद इसको जब हम एक्सपांड करेंगे उस वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर हम ब्रैकेट को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे याद रखना इसको। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो पहले, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। चलो सबसे पहले एक्स, एक्स कौन होगा हमारा, एक्स का हाँ ए, पहले क्या है हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, यानी कि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -2y², तो ब्रैकेट के अंदर लिखना -2y द होल स्क्वायर लिखना। फिर प्लस सी, सी कौन बनेगा, सी बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर, ओके। फिर प्लस, फिर आएगा 2ab, तो 2 इंटू ए है एक्स इंटू बी है हमारा -2y। फिर आएगा प्लस 2bc, तो 2bc होगा 2 इंटू बी, बी है हमारा -2y इंटू सी, सी हमारा है 3। फिर आएगा प्लस 2ac, 2ac मतलब 2 इंटू ए, ए मतलब एक्स है और सी है हमारा 3। और ये देखो ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये जो ओपन किया था ना उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो चलो क्लोज किया, अब बीच में प्लस साइन डाल दो, मैंने इधर ही प्लस साइन डाल दिए, देखो लास्ट में प्लस साइन। अभी हम ओपन करेंगे दूसरा ब्रैकेट और अभी इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये खुल जाएंगे, ये जो हमारा, ये जो मैंने इधर कट कर दिया था वो खुल जाएगा। अभी इसको कट कर दो क्योंकि ये अभी हो गया है। अभी यहाँ पे देखो इसको एक्सपांड करेंगे तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स, तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर होगा -3 का स्क्वायर। फिर आएगा प्लस 2 इंटू ए बी,
तो 2 इंटू ए है x इंटू बी है हमारा 2y, प्लस फिर आएगा 2bc, तो 2 इंटू बी है हमारा 2y इंटू सी है हमारा माइनस 3, फिर आएगा प्लस 2ac, तो 2 इंटू ए है x इंटू सी, सी है माइनस 3, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे आपको पता ही है। अभी देखो ये जो अंदर के ये जो सारे ब्रैकेट्स है ना जो सॉल्व नहीं है, इन सबको सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, ये सब सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस, अब देखो माइनस टू वाई द होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू वाई द होल स्क्वायर का मतलब होता है माइनस टू वाई इंटू माइनस टू वाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और टू इंटू टू फोर, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस फोर वाई स्क्वायर इज द आंसर। मैंने उसके पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपका पावर में क्या है स्क्वायर है और उसके ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और ये टू टू ज़ा फोर, और एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, तो मतलब फोर एक्स वाई। पहले साइन सॉल्व किया, नंबर नंबर मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, अभी इसकी बारी है, इसकी बारी है, और फिर इसकी बारी है। ऐसे ही बना, अंडरलाइन करो अगर समझ में नहीं आता है। तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, यानी कि ट्वेल्व, और ये वाई है तो वाई भी लिख दो। अब इधर तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है, तो प्लस ही रहेगा ये। यहाँ पे आएगा टू थ्री ज़ा सिक्स, एंड सिक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स, क्योंकि इधर एक्स भी है। ठीक है, तो हो गया सॉल्व, अभी ये ब्रैकेट क्लोज। अभी आते हैं इसको एक्सपांड करते हैं सबको, तो प्लस आएगा और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो टोटल यहाँ पे ऐसे ना इंडिविजुअली सिक्स टर्म्स होंगे। अंडरलाइन करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी, बाद में रफ कर देना अंडरलाइन। तो एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस टू वाई स्क्वायर क्या होगा, टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, टू वाई द होल स्क्वायर हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ये माइनस थ्री का जो स्क्वायर है वो होगा प्लस नाइन, पॉजिटिव नाइन, क्योंकि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आंसर हो जाएगा प्लस नाइन, पॉजिटिव नाइन इज द आंसर, माइनस नाइन आंसर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, चलो डन, नाइन प्लस, यहाँ पे अभी टू टू ज़ा फोर, एंड एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, तो फोर एक्स वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा माइनस, और टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, और ये वाई है, तो होगा यहाँ पे ट्वेल्व वाई। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस, और टू थ्री ज़ा सिक्स, और ये एक्स हो जाएगा एक्स, तो सिक्स एक्स, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, हो गया। अभी क्या होगा ना, अभी क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, इसको अभी ओपन करने की बारी आ चुकी है। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करो। ठीक है, देखो इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर बीच में प्लस साइन ही है, पॉजिटिव साइन है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर टू देखोगे तो इधर बीच में है ना नेगेटिव साइन है, तो जब हम वो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो जो हमारे टर्म्स है ना उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर वन में तो बीच में पॉजिटिव ही है, तो टेंशन नहीं है। तो फिर भी लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके दिखाएंगे टीचर को कि हाँ हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो चलो ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो देखो ज़्यादा तो कुछ फर्क नहीं होगा, सेम वैसे के वैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन, फिर आएगा माइनस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स एक्स, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई माइनस सिक्स एक्स। देखो साइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 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 ही होता है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 और प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ज़्यादा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन किया, अभी आता है लाइक टर्म्स को सॉल्व करो। लाइक टर्म्स सॉल्व करो मतलब ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स होते हैं, इनको स्क्वायर करो। वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को सॉल्व करो, एक्स वाई वाले टर्म्स को सॉल्व करो। तो पहले क्या करो ना, जो देखो कि कुछ कट रहा है तो काट ही दो पहले। जैसे कि देखो ये प्लस फोर एक्स वाई है और ये माइनस फोर एक्स वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में, तो कभी भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे ये प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा क्या, देख लो, देखो ये माइनस ट्वेल्व वाई और ये माइनस ट्वेल्व वाई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। अगर साइन सेम होती है तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो
माइनस माइनस प्लस एडिशन हो जाएगा, तो बाकी कुछ हमारा बाकी तो कुछ भी कट नहीं होने वाला है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को बाजू बाजू में लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाजू बाजू में लिखेंगे। फिर प्लस फोर वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस फोर वाई स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स है, तो प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर को बाजू बाजू में लिखेंगे। फिर आएगा प्लस नाइन, और इधर भी प्लस नाइन है, नंबर नंबर है ये, तो प्लस नाइन और प्लस नाइन, प्लस नाइन और प्लस नाइन, ये भी लिख दिया प्लस नाइन प्लस नाइन। और कुछ बचा है, ये बचा है माइनस ट्वेल्व वाई, और माइनस ट्वेल्व वाई को बाजू में लिखो, माइनस ट्वेल्व वाई माइनस ट्वेल्व वाई बाजू में लिखा। और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है, ये और ये तो कट हो गया है, ये और ये कट हो गया, तो सब कुछ हो गया है। देख लो इधर जोड़ी बनती है, ये देखो ये सारे लाइक टर्म्स है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा एट वाई स्क्वायर, ठीक है, और नाइन प्लस नाइन हो जाएगा एटीन। उसके बाद इधर देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ट्वेल्व ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर वाई एडिशन हो जाएगा ना, ट्वेंटी फोर वाई और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो ये है हमारा आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते हो, वरना ये ही हमारा फाइनल आंसर है। अरेंज करना मतलब जैसे कि पहले पावर टू वाला टर्म, फिर पावर टू वाले टर्म होते हैं, फिर उसके बाद पावर वन वाला टर्म होता है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पहले लिखोगे टू एक्स स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस एट वाई स्क्वायर, और ये माइनस ट्वेंटी फोर वाई को पहले लिख दो और प्लस एटीन को लास्ट में लिख दो। वैसे तो ये भी चलेगा, दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, बहुत ही लेंदी है, आराम से थोड़ा पेशेंट रख के करना, ठीक है। चलो अभी इधर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, ये पहला ब्रैकेट है, पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो इधर आप देखोगे तो ए का रोल प्ले करेगा थ्री के, ए बनेगा हमारा थ्री के, बी का रोल जो प्ले करेगा वो बनेगा माइनस फोर आर, और सी का रोल जो प्ले करेगा वो बनेगा माइनस टू एम। तो पहले ब्रैकेट को हमने कंपेयर किया, अब दूसरे ब्रैकेट को अगर कंपेयर करोगे तो बताओ ए का रोल कौन प्ले करेगा, थ्री के करेगा, बी का रोल जो प्ले करेगा वो फोर आर करेगा, सी का रोल जो प्ले करेगा वो करेगा माइनस टू एम, ठीक है। तो ये हो गया, चलो अभी एक्सपांड करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं रफ, क्योंकि ये नहीं लेनी है वैल्यू अभी, ए बी सी की ये वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को एक्सपांड कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपको क्या लगाना है, वेरी गुड, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। इधर तो स्क्वायर ब्रैकेट बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पूरे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो गए बताती हूँ, रुको। पहले लिखोगे आप ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब थ्री के द होल स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर आर द होल स्क्वायर, प्लस फिर आएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब माइनस टू एम द होल स्क्वायर, ओके हो गया। फिर आएगा प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब टू इंटू ए है हमारा थ्री के, इंटू बी, बी है हमारा माइनस फोर आर, आपको पता है ना मैं वैल्यू ये वाले ले रही हूँ, ठीक है। फिर प्लस आता है टू बी सी, टू बी सी मतलब टू इंटू बी, बी है हमारा माइनस फोर आर, इंटू सी, सी है हमारा माइनस टू एम। देखो जगह ही नहीं हो रही है, जगह नहीं हो रही है इसलिए मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि वरना क्या है ना बहुत ही खिचड़ी हो जाएगी। इधर मैं इसको इधर से एक्सपांड करती हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या लिख दिया, चलो वंस मोर एक बार और देख लेते हैं। ये वाला लिख रही हूँ टू इंटू बी इंटू सी है ना, तो टू इंटू बी है हमारा माइनस फोर आर, और इंटू सी, सी है हमारा माइनस टू एम। फिर आएगा प्लस टू ए सी, तो चलो मैं फिर से बताती हूँ। तो अभी हम लोग लिखेंगे टू इंटू, टू इंटू ए सी, तो ए है हमारा थ्री के, और इंटू सी, सी है हमारा माइनस टू एम, ठीक है। ये क्लोज, और ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखो फिर बीच में क्या है, माइनस साइन है, याद रखना बीच में क्या है, माइनस साइन है। तो चलो माइनस साइन मैं नीचे भी लिख सकती हूँ या ऊपर भी लिखो, एक ही बात है, बट मैंने यहाँ पे सपोज किया कि मैं नीचे लिख देती हूँ, नीचे। और अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो इसको ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और अभी ये वाले वैल्यूज लेंगे। तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि सेम थ्री के द होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब फोर आर द होल स्क्वायर। देखो इधर माइनस में लिया, इधर प्लस में क्यों लिया, क्योंकि पहले ब्रैकेट में बी माइनस फोर आर था, सेकेंड ब्रैकेट में बी प्लस फोर आर है इसलिए, ठीक है। फिर अभी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब माइनस टू एम द होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस टू इंटू ए बी आता है, तो टू इंटू ए है हमारा फोर आर इंटू, नहीं नहीं ए है हमारा थ्री के, सॉरी ए है थ्री के, इंटू बी है हमारा फोर आर, ओके। चलो फिर प्लस टू इंटू, टू इंटू बी सी होगा, बी है फोर आर, इंटू सी है माइनस टू एम। फिर होगा प्लस
टू इंटू ए सी, तो टू इंटू ए है 3k और c है हमारा माइनस 2m, ओके। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये जो ओपन किया था ना इसको क्लोज करना तो बनता है। और एक बात, यहाँ पे मैंने कैसे लिख दिया एकदम ऐसे, ठीक है चलो समझ में आ रहा होगा आपको। अभी क्या होगा ना, इक्वल टू साइन डाल देती हूँ, अभी नेक्स्ट इक्वल टू, अभी क्या होगा ना ये जो सारे ब्रैकेट देख रहे हो इन सबको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है चलो ओपन करते हैं, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, आराम आराम से करो, कोई घाई मत करना। 1 2 3 फिर ये साथ में होता है, ये पूरे साथ में होते हैं, ये पूरे साथ में होते हैं, चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो 3k द होल स्क्वायर कितना होगा, 3k द होल स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर, ठीक है ब्रैकेट लगा देना ये वाला, 3k द होल स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव में बदल जाती है क्योंकि स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा और फिर होगा 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, दैट इज 4m स्क्वायर। फिर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा नेगेटिव, और फिर आएगा 2 3 6 एंड 6 4 24 और k इंटू आर हो जाएगा kr, तो kr, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव 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 ही रहेगा, मतलब बीच में पॉजिटिव साइन ही रहेगी, ठीक है। तो ये अभी नंबर को सॉल्व करते हैं, नंबर को सॉल्व करते हैं, तो नंबर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 4 8 8 2 16, तो 16 rm हो जाएगा, 16 rm। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 6 एंड 6 2 12 और k इंटू एम क्या हो जाएगा, के एम हो गया सॉल्व, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन, ये वाली माइनस साइन है ना बीच में, माइनस साइन। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, मैंने ब्रैकेट पहले ही लगा दिया है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसको भूलना मत, नहीं तो बोलोगे भूल गए ना गए। ये देखो 1 2 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5 और ये 6, चलो सॉल्व करते हैं। 3k द होल स्क्वायर सेम होता है 9k द होल स्क्वायर, फिर प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा 4r द होल स्क्वायर हो जाएगा 16r स्क्वायर, फिर प्लस ये नेगेटिव साइन वैसे भी पॉजिटिव में चेंज हो ही जाएगा, तो 2m द होल स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो 2 3 6, साइन तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इधर कोई साइन ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है इधर, तो पॉजिटिव लिख दो, 2 3 6 6 4 24 और k इंटू आर हो जाएगा 24 kr। फिर इधर देखो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 8 2 हो जाएगा 16 और r इंटू एम हो जाएगा rm, ठीक है हो जाएगा rm। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा नेगेटिव, और यहाँ पे 2 3 6 एंड 6 2 12, और यहाँ पे k इंटू एम हो जाएगा km। आपको देखो ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म एकदम सेम नज़र आएंगे, बस उनके साइन में थोड़ा सा अलग बर्ताव होगा, साइन अलग होगे लेकिन टर्म सेम होगे, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में टर्म्स जो है ना वो सेम है, इधर भी 3k है इधर भी 3k है, इधर 4r है इधर 4r है, इधर 2m है इधर भी 2m है, बस इनका साइन अलग है, तो जो फर्क नज़र आएगा वो सिर्फ साइन में नज़र आएगा, और तुम्हारा साइन ही मेन है, अगर तुम साइन ही गलत डाल दोगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको ओपन करने की बारी आ चुकी है। तो पहला जो हमारे ब्रैकेट, जो पहले ब्रैकेट में जैसे टर्म है वैसे ही रहेंगे, सबसे पहले हमारा रहेगा 9kr, ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 16r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4m स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस 24kr, फिर होगा प्लस 16rm, और फिर होगा माइनस 12km। तो पहले ब्रैकेट के टर्म ऐसे ही रहेंगे। अब देखो अब ये माइनस है तो पहले रहेगा, इधर देखो इसकी साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, तो फिर ये प्लस सॉरी माइनस प्लस होगा माइनस, तो आएगा इधर माइनस माइनस 9kr स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे क्योंकि वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट, ओके। तो या प्लस 9k स्क्वायर था, अब ये माइनस 9k स्क्वायर हो गया, फिर हो जाएगा माइनस 16r स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा माइनस 4m स्क्वायर, फिर माइनस 24kr, माइनस 16rm, और नहीं माइनस नहीं प्लस, एक्चुअली में इधर देखो प्लस है और ये भी माइनस में प्लस, तो प्लस 12km हो गया। देखो ये साइन चेंज कर दी, प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस, और ये माइनस माइनस जो है वो दोनों हो गए प्लस प्लस, हो गया क्लियर हुआ। चलो अभी क्या करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। जैसे देखो ये प्लस 9k स्क्वायर है, ये माइनस 9k स्क्वायर है, कैंसिल हो गया,
ये प्लस 16 आर स्क्वायर है, ये माइनस 16 आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। ये प्लस 4 एम स्क्वायर है, ये माइनस 4 एम स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ये लाइक टर्म्स है तो ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ही ये प्लस 16 आर एम है, ये है प्लस 16 आर एम, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। ये माइनस 12 के एम और ये प्लस 12 के एम भी कैंसिल, मतलब सिर्फ दो लोग बचे हुए हैं, मतलब दो जोड़ियाँ बची है। ये बचा है माइनस 24 के आर और इधर से भी बचा है माइनस 24 के आर, ठीक है ये। और दूसरा बचा है प्लस 16 आर एम और इधर भी बचा है प्लस 16 आर एम, प्लस 16 आर एम, प्लस 16 आर एम। अब इन दोनों को सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, 24 प्लस 24 होगा 48 के आर, रिटर्न नंबर साइन माइनस। अब प्लस प्लस होता है प्लस, 16 प्लस 16 होगा 32 और आर एम, तो 32 आर एम, तो दिस इज द आंसर, यही है हमारा आंसर। देखा कितना बड़े बड़े सब में मज़ा आ गया एकदम, है ना, कितने बड़े हैं ये देख लो, ये देख लो अच्छे से, ये है तुम्हारा सल्यूशन, ठीक है, ये देखो क्लियर, इधर देख लो, ये भी देख लो, ये सल्यूशन भी देख लो अच्छे से, आज के आज इसको कर लेना, ठीक है, हो गया। ओके चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को कंपेयर करेंगे, इधर तो देखो बीच में पॉजिटिव साइन है तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी, जब वो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना वो वाला, हाँ तब साइन चेंज होती है, कब चेंज होती है सबकी, जब बीच में नेगेटिव होता है, बट इधर नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ए का रोल कौन प्ले करेगा, ए बनेगा हमारा 7a, बी का रोल कौन प्ले करेगा माइनस 6b, माइनस 6b, और सी का रोल कौन प्ले करेगा 5c, 5c। अब आते हैं दूसरे, दूसरे के पास जाते हैं, तब ए का रोल कौन प्ले करेगा दूसरे ब्रैकेट में 7a, बी का रोल कौन प्ले करेगा 6b, एंड सी का रोल कौन प्ले करेगा माइनस 5c, माइनस भूलना मत। अभी फिलहाल तो हम इंटरेस्ट है ये वाले ब्रैकेट को, ये वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलो ओपन करें, इस बार मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, इधर से ही स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा नीचे से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये ना जगह बहुत कम होता है, ये वाला ब्रैकेट लगा दो। ओके तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पहले आएगा 7a द होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी है माइनस 6b, तो माइनस बी 6 द होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब 5c द होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए है 7a इंटू बी है हमारा माइनस 6b, ठीक है ब्रैकेट में लिखना, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी है माइनस 6b और इंटू सी, सी है 5c, फिर प्लस आएगा 2ac, तो 2 इंटू ए है 7a और सी है हमारा 5c, ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज। बीच में इस बार पॉजिटिव साइन है तो देखो मैं पॉजिटिव डाल रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं, ये वाले को इसको कैंसिल करते हैं, आप ऐसे कैंसिल मत करना, मैं आपको समझाने के लिए कैंसिल करती हूँ, ठीक है। चलो अब इसको ओपन करेंगे, तो पहले आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब सेम यहाँ पे भी 7a द होल स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी है 6b, तो 6b द होल स्क्वायर, इधर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव में है, ठीक है बी, और सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है माइनस में, तो माइनस 5c द होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए, ए मतलब 7a, 2 इंटू ए इंटू बी, बी है 6b, प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी है 6b और इंटू सी, सी है हमारा माइनस 5c, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, तो ए है हमारा 7a और इंटू सी, सी है हमारा माइनस 5c, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी हमको किसको सॉल्व करना है पता ही है ना, हाँ ये अंदर वाले जो सारे ब्रैकेट्स हैं ना उसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलो करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू 7a द होल स्क्वायर हो जाएगा 49, पहले ये ब्रैकेट लगा देती हूँ, 49a द होल स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी 49a स्क्वायर बोलते हैं इसको, प्लस यहाँ पे माइनस साइन तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 6b माइनस 6b द होल स्क्वायर होगा 36b स्क्वायर, फिर प्लस 5c द होल स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होगा नेगेटिव, ओके 2 7 14, और 14 6 का कितना होगा मुझे नहीं आता ये, तो 6 4 24, 6 1 6 7 8, ठीक है तो 84 हो रहा है। मैंने ना बचपन में बहुत ट्राई किया था कि मैं टेबल लर्न करूँ, मतलब मुझे ना 12 तक ही टेबल याद होते थे, मैं सोचती थी चलो 15 तक लर्न कर ही लूँ, बट होता ही नहीं था, और 13 का टेबल मुझे सिर्फ 3 तक आता है, 13 13 13 26 13 3 39, दैट्स इट, मतलब होता ही नहीं था, पता नहीं क्यों, वो जो बचपन में हो गया वो हो गया, अभी फिर होता ही नहीं है। तो 2 7 14 और 14 6 का कितना है मैं भूल गई, देखो 14 6 का कितना आया था, 6 4 24 एंड यहाँ पे 84, ओके तो 84
और ए इंटू बी मतलब ए बी। ओके अब ये देखो प्लस माइनस हो गया, माइनस तो माइनस लिख देंगे, एंड टू सिक्स आ ट्वेल्व एंड ट्वेल्व फाइव आ सिक्सटी, और ये बी इंटू सी तो बी सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इधर किसी की भी साइन कोई नेगेटिव नहीं है, तो माइन पॉजिटिव ही रहेगा। टू सेवन ज़ा होता है फोर्टीन, एंड फोर्टीन फाइव ज़ा कितना हो जाएगा, फोर्टीन इंटू फाइव करेंगे तो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव वन ज़ा फाइव, सिक्स सेवन यानी कि सेवेंटी। तो सेवेंटी, और ये ए और सी लिखना मत भूलना वेरिएबल, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है चलो, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, तो दूसरा भी आराम से हो जाएगा। बस बीच में क्या साइन लगाना है आपको, पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव लगाओ, मैं नीचे लिख रही हूँ। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला टर्म है, फिर ये, फिर ये, फिर ये साथ में है, ये साथ में है, और ये साथ में है। चलो सेवन ए द होल स्क्वायर होगा 49 ए स्क्वायर प्लस सिक्स पी द होल स्क्वायर हो जाएगा 36 बी स्क्वायर प्लस, माइनस भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस भी फाइव सी माइनस फाइव सी द होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो टू सेवन ज़ा 14 एंड 14 सिक्स ज़ा भी किया था हमने, वो आया था 84 ए बी, और इधर पॉजिटिव साइन है तो इधर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व फाइव ज़ा हो जाएगा 60 बी सी हो जाएगा क्योंकि इधर बी है और इधर सी है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव तो टू सेवन ज़ा 14 एंड 14 फाइव ज़ा हो जाएगा 70, और ये ए इंटू सी हो जाएगा ए सी, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी आते फाइनल स्टेप में, ये वाला जो ब्रैकेट है अभी इसको ओपन करना है, बट इसको ओपन जस्ट कर दो क्योंकि वैसे भी किसी का भी साइन कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये जैसा है वैसा ही हम लिख रहे हैं, 49 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 84 ए बी फिर माइनस 60 बी सी प्लस 70 ए सी, पहले लिख दिया ये। अब ये देखो ये बीच में प्लस है ना, तो किसी की भी साइन इस वाले किसी भी ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं होगी, ये पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, तो प्लस 49 ए स्क्वायर, ये प्लस में था तो ये प्लस में ही रहेगा, प्लस 36 बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 25 सी स्क्वायर प्लस 84 ए बी, फिर आएगा माइनस 60 बी सी, फिर आएगा माइनस 70 ए सी। सब हो गया सॉल्व। चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन कटेगा, मज़ा आता है ना ऐसे काटने के लिए, मज़ा आता है। चलो देखते हैं, देखो पहले तो ये 49 वाला 49 49 वाला 49 वाला तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव में हैं। फिर 36 बी स्क्वायर 36 बी स्क्वायर भी नहीं कटेगा, एंड 25 सी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर भी दोनों ही पॉजिटिव में हैं। अब ये देखो ये वाला कटेगा, माइनस में है और ये प्लस में है, तो 84 ए बी और इधर से 84 ए बी कैंसिल। अब देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, बट ये नहीं होगा कैंसिल। हाँ ये हो जाएगा प्लस 70 ए सी, ये माइनस 70 ए सी कैंसिल। तो कौन कौन बच गए देखो, सबसे पहले बचा हमारा 49 ए स्क्वायर और इधर से भी 49 ए स्क्वायर, बाजू बाजू में लिखेंगे इसको पहले। ओके फिर आएगा हमारा प्लस 36 बी स्क्वायर और इधर से भी है हमारा प्लस 36 बी स्क्वायर, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट प्लस 25 सी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर, इधर भी है हमारा प्लस 25 सी स्क्वायर हो गया। हाँ और ये भी बाकी है माइनस 60 बी स्क्वायर, इधर भी है माइनस 60 बी स्क्वायर हो गया। फाइनली ये जोड़ी है, ये जोड़ी है, फिर ये जोड़ी है और ये जोड़ी है। चलो जोड़ियों को ऐड करते हैं, तो 49 प्लस 49 कितना होगा, 49 प्लस 49 99 18 और 44 और ये 98 हो गया। ठीक है तो 98 ए स्क्वायर, 36 प्लस 36 होता है 72 तो 72 बी स्क्वायर हो गया, 25 प्लस 25 होता है 50 यानी कि 50 सी स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 60 प्लस 60 होगा 120, रिटर्न नंबर साइन माइनस, और बी सी जो है वो बी सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है बी सी, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, दैट्स इट हो गया। ओके तो मज़ा आया कि नहीं, देख लो अच्छे से सारा सोल्यूशन, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हमारा एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फैक्टराइजेशन कुछ है इसका नाम, मुझे नाम नहीं पता, बट हम बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। यस ओके तो बी रेडी फॉर द चैप्टर नंबर 6, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड 8 के फ्रेंड्स के ग्रुप्स हो गए आई थिंक, या जो भी है, अगर आपको स्कूल के ग्रुप में अलाउ होता है वीडियो सेंड करना तो वहाँ पे भी कर सकते हो, क्लासेस का ग्रुप होगा अगर आपका कोई, अगर अलाउ होगा तो ही सेंड करो, ऐसे ज़बरदस्ती सेंड नहीं करने का, ठीक है ये गलत है। तो आपके फ्रेंड्स के अगर ग्रुप है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट कैसे यार, मैं अभी तो गुड मॉर्निंग हुआ है मेरा। चलो बाय बाय।